दोस्तों, किसी भी देश की सेना उस देश की असली ताकत होते हैं, क्योंकि ये वीर सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। चाहे देश में आतंकवादी हमला हो या सीमा पर भयंकर युद्ध, इनका कर्तव्य सिर्फ देश की रक्षा करना ही होता है। और आपको पता ही होगा कि भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन भारत के पास सेना के ऐसे 5 रेजिमेंट है जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती है। आज के इस वीडियो में हम भारत के इन्हीं 5 आर्मी रेजिमेंट के बारे में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 5, राजपूत रेजिमेंट। राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना का सबसे पुराना और सम्मानित सैन्य दल है। इसकी स्थापना 1775 में की गई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत लड़ाकों की क्षमता को देखते हुए उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया था। राजपूत रेजिमेंट को मुख्य रूप से पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए जाना जाता है। 1921 में इसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तौर पर विकसित किया गया था। 1953 में कोरिया और 1962 में कांगो में चल रहे मिशन का हिस्सा भी राजपूत रेजिमेंट थे। राजपूतों के अलावा इस रेजिमेंट में जाट, अहीर, गुज्जर और मुसलमानों की भी एक बड़ी संख्या है। 1999 में हुई कारगिल युद्ध में लड़ने वाले 7 राजपूत रेजिमेंट को बहादुरी के लिए उन्हें सम्मान पत्र से नवाजा गया था। प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राजपूत रेजिमेंट के लगभग 30,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध घोष है राजा रामचंद्र की जय, और इनका आदर्श है वीर भोग्य वसुंधरा, जिसका मतलब है कि केवल वीर और शक्तिशाली लोग ही इस धरती की सुरक्षा कर सकते हैं। नंबर 4, जाट रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। ये सेना सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार विजेता रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ने वर्ष 1839 में 1947 के बीच 19 और स्वतंत्रता के बाद 8 महावीर चक्र, 8 कीर्ति चक्र, 32 शौर्य चक्र, 39 वीर चक्र और 170 सेना पदक सहित अनेक शौर्य सम्मान प्राप्त किए हैं। अपने 200 साल से भी ज्यादा की समय सीमा में जाट रेजिमेंट ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध सहित भारत और विदेशों में अनेक युद्धों में भाग लिया है। माना जाता है कि जाट रेजिमेंट की स्थापना 1795 में कलकत्ता नेटिव मिलिट्री द्वारा की गई थी, जो बाद में बंगाल सेना की एक इन्फेंट्री बटालियन बन गई। एक रहकर संघर्ष करना ही जाट रेजिमेंट की पहचान है, इसलिए जाट रेजिमेंट का आदर्श वाक्य संगठन और वीरता है। ये रेजिमेंट जब युद्ध के मैदान में उतरती है तो जाट बलवान जय भगवान का नारा लगाते हैं। वर्तमान में रेजिमेंट की 23 बटालियन है। इस रेजिमेंट में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के हिंदू जाट समुदाय से भर्ती की जाती है। रेजिमेंट में तकरीबन 96% जाट हैं, तथा एक बटालियन में अहीर, गुज्जर और राजपूत सभी को शामिल किया गया है। जाट रेजिमेंट का मुख्यालय बरेली उत्तर प्रदेश में है। नंबर 3, सिख रेजिमेंट। जब कभी भी युद्ध हुआ है तो भारत की सिख रेजिमेंट ने उस युद्ध में करारा जवाब दिया है और भारतीय सेना का मान बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। सिख रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे खतरनाक सेना है, जिसे 72 लड़ाई ऑनर्स, 15 रंगमंच ऑनर्स, 2 परमवीर चक्र, 14 महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र, 67 वीर चक्र और 1596 अन्य वीरता पुरस्कार मिले हुए हैं। इस रेजिमेंट की कई वीरता की कहानियां हैं, साथ ही इस रेजिमेंट का इतिहास 154 साल पुराना है। रेजिमेंट की पहली बटालियन अंग्रेजों द्वारा 1846 में सिर्फ सिख साम्राज्य से बनाई गई थी। इस रेजिमेंट से जुड़ी एक मुख्य बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि इस रेजिमेंट की विरासत सिख गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा और बलिदान है, और इस रेजिमेंट ने महाराजा रंजीत सिंह खालसा की सेना की निर्भयता को आत्मसात किया है। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद सिख रेजिमेंट ने टाइगर हिल पर कब्जा किया था। नंबर 2, पैराशूट रेजिमेंट। 29 अक्टूबर 1941 को 50वें पैराशूट ब्रिगेड का गठन हुआ था, जिसमें 151 ब्रिटिश, 152 भारतीय और 153 गोरखा पैराशूट बटालियन थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस रेजिमेंट ने अपनी पहली हवाई कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के दौरान एक रीइंफोर्स्ड गोरखा बटालियन ने ऑपरेशन ड्रैकुला को अंजाम दिया था, जिसके तहत जवान पैराशूट से 1 मई 1945 को बर्मा के हाथी पॉइंट पर उतरे थे। इस ऑपरेशन में पैराशूट बटालियन को कामयाबी हाथ लगी। इस कामयाबी के बाद भारतीय पैराशूट रेजिमेंट का 1 मार्च 1945 को गठन किया गया, जिसमें 4 बटालियनों और स्वतंत्र कंपनियों को एक साथ लाया गया था। 1999 में पाकिस्तान के साथ चल रही जंग के दौरान 10 में से 9 पैराशूट बटालियनों को कारगिल में ऑपरेशन विजय में तैनात किया गया था। पैराशूट ब्रिगेड ने मुस्को घाटी से घुसपैठियों का सफाया किया, जहां इन्होंने बहादुरी और शक्ति का प्रदर्शन किया था। इस युद्ध में बहादुरी के लिए इन्हें थल सेना अध्यक्ष पत्र से सम्मानित किया गया।
पैराशूट रेजिमेंट की अंतर्राष्ट्रीय शांति में भी अहम भूमिका रही है। पैराशूट रेजिमेंट को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए 1953 में कोरिया, 1956 में गाजा और वर्ष 2000 में सियरा लियोन भेजा जा चुका है। वर्ष 2000 में भेजे जाने वाला मिशन एक बेहद ही महत्वपूर्ण मिशन था। नंबर 1, गोरखा रेजिमेंट। 1815 में ब्रिटिश सेना ने भारतीय सेना के एक हिस्से के तौर पर इसका गठन किया था। भारत, नेपाल और ब्रिटेन में गोरखा सैनिकों की सैन्य सेवा के संबंध में 1947 में समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक दोनों देशों की सेना में नेपाली गोरखाओं की नियुक्ति होती है। 1962 में चीन के भारतीय इलाकों पर कब्जे के दावों के बाद दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। भारतीय गोरखा रेजिमेंट ने 4 जुलाई 1962 में घाटी पहुंचने के लिए एक पोस्ट बनाई थी। इस पोस्ट ने चीनी पोस्ट के कम्युनिकेशन नेटवर्क को काट दिया था। इसे चीन ने अपने ऊपर हमला बताया, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने गोरखा पोस्ट को 100 गज की दूरी पर घेर लिया था। 4 महीने तक ये घेराबंदी जारी रही, लेकिन गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने चीन के सामने झुकने की जगह उसको कड़ी टक्कर देते रहे। आजादी के बाद हर युद्ध में गोरखा रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है। गोरखा सिपाही निडरता की ट्रेनिंग के बाद अजय योद्धा बनते हैं। गोरखा सिपाही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फौजी माने जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में नेपाल के गोरखा है। भारतीय सेना के अलावा ब्रिटिश रॉयल आर्मी, ब्रुनोई में गोरखा के जवान और सिंगापुर की सेना में भी गोरखा के योद्धा मौजूद हैं। ये भारतीय जवानों की ऐसी बटालियन है जिससे भारत देश के दुश्मन इतना घबराते हैं कि वो कभी इस रेजिमेंट के सामने नहीं आना चाहते हैं। गोरखा बटालियन को देश की सबसे खतरनाक रेजिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये देश के किसी भी दुश्मन पर रहम नहीं करते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। और यही वजह है कि दुश्मन इनका सामना करने से भी घबराते हैं। इनको हमेशा दुश्मनों का काल कहा जाता है। इसी वजह से भारतीय सेना की इन 5 बटालियन को अपनी बहादुरी और इनके दुश्मन के डर के कारण इन्हें दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा रेजिमेंट अधिक पसंद आया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारा अब दूसरा चैनल भी आ गया है, जिसपे हम देश विदेश से जुड़ी, सेना से जुड़ी और पॉलिटिक्स अफेयर से जुड़ी वीडियो डालते हैं। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।